अच्छा, ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ चुका है, एलडीएल वेएलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो क्या वर्कआउट कर सकते हैं? इसका सिंपल सा जवाब है कि हाँ कर सकते हो और करना ही करना चाहिए। देखो, जब वर्कआउट करोगे, वेट लॉस करोगे, तो स्टडीज में क्लियरली देखा गया कि वेट लॉस के साथ साथ आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल भी डाउन होता है। स्टडी शो करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि देखो वर्कआउट करोगे, अपने फैट का लॉस करोगे, अपने डाइटरी फैट इंटेक पे रेस्ट्रिक्शंस लगाओगे, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगाओगे, तो ऑब्वियसली आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल एलडीएल वीएलडीएल लेवल लो जाएगा। इस सवाल मन में इसलिए आता है कि भाई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, हार्ट रेट एलिवेट होगी तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बहुत लोग डरे हुए हैं, उल्टे सीधे वीडियोस सामने आ रहे हैं, जिम में मिस हैपनिंग्स हो रही हैं। तो देखो, वर्कआउट करो, बहुत ज्यादा इंटेंस फेलियर पे मत जाओ, सेट के बीच में प्रॉपर रेस्ट लो, अपनी हार्ट रेट का ख्याल रखो, वर्कआउट करो, फैट लॉस करो, साथ ही साथ अपना ट्राइग्लिसराइड लेवल डाउन करो, एंड यस, आपको लाइफ स्टाइल चेंजेस तो करने ही करने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच।